हर देश में अपनी ही एक कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस का गठन किया जाता है। यह पुलिस ही होती है जिसकी वजह से हम सब चैन की नींद सो पाते हैं। कोई भी त्योहार हो, दिन हो या रात, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है। आमतौर पर हम पुलिस की पहचान उनकी वर्दी या यूनिफॉर्म से ही करते हैं। पुलिस की खाकी वर्दी उनकी सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। बस फर्क इतना होता है कि कहीं पर इसका रंग थोड़ा हल्का होता है तो कहीं पर थोड़ा गहरा। दूर से ही देखकर लोग पहचान जाते हैं कि पुलिस आ रही है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है? इसको कोई कलर क्यों नहीं दिया गया? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है। जब भारत में ब्रिटिश राज था तब उनकी पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती थी, परंतु लंबी ड्यूटी के दौरान यह जल्द ही गंदी हो जाती थी। इस कारण से पुलिस कर्मी भी परेशान हो जाते थे। कई बार तो उन्होंने गंदगी को छुपाने के लिए अपनी वर्दी को अलग अलग रंगों में रंगना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से उनकी वर्दी विभिन्न रंगों में दिखने लगी थी। इससे परेशान होकर अफसरों ने खाक रंग की डाई तैयार करवाई थी। खाकी रंग हल्का पीला और भूरे रंग का मिश्रण है, इसलिए उन्होंने चाय की पत्ती का पानी या फिर कॉटन फैब्रिक कलर को डाई की तरह इस्तेमाल किया, जिसके कारण उनकी वर्दी खाकी रंग की हो गई थी। खाक का हिंदी में अर्थ होता है गंदी मिट्टी का रंग। इस खाक रंग की डाई लगाने के बाद पुलिस की वर्दी पर धूल, मिट्टी, दाग आदि कम दिखते हैं। सन 1847 में सर हैरी लैम्सडेन ने आधिकारिक तौर पर खाकी रंग की वर्दी को अपनाया और उसी समय से भारतीय पुलिस में खाकी रंग की वर्दी चली आ रही है। सर हैरी लैम्सडेन ने खाकी वर्दी को कैसे अपनाया, इसके पीछे भी एक कारण है। सर हेनरी लॉरेंस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के गवर्नर के एजेंट थे और लाहौर के रहने वाले थे, जिन्होंने कॉर्प्स ऑफ गाइड्स 4 दिसंबर 1846 में खड़ी की थी। कॉर्प्स ऑफ गाइड फोर्स ब्रिटिश भारतीय सेना की एक रेजिमेंट थी जो कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर सेवा करने के लिए बनाई गई थी। तब उस समय सर हैरी लैम्सडेन को कमांडेंट और विलियम हडसन को सेकंड ऑफ कमांड बनाया गया था और कॉर्प्स ऑफ गाइड्स फोर्स को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। शुरुआत में इस फोर्स के जवान अपनी लोकल ड्रेस में ड्यूटी करते थे, लेकिन 1847 में सर हैरी लैम्सडेन की कोशिश से सबने खाकी रंग की वर्दी या यूनिफॉर्म को अपनाया। उसके बाद आर्मी के रेजिमेंट और पुलिस ने खाकी वर्दी को अपना लिया, जो कि अभी तक भारत में चली आ रही है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनुअल के अनुसार पहली आधुनिक पुलिस जो कि लंदन मेट्रोपोलियन पुलिस थी ने 1829 में डार्क ब्लू रंग का एक अपना यूनिफॉर्म बनाया जो कि पैरामिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म था। यह ब्लू रंग इसलिए चुना गया था क्योंकि उस समय ब्रिटिश की आर्मी लाल और सफेद रंग का यूनिफॉर्म पहनती थी, इसलिए आर्मी से अलग दिखने के लिए ब्लू रंग चुना गया था। क्या आप जानते हैं कि पहला आधिकारिक पुलिस फोर्स कहां स्थापित हुआ था? यह पहले अमेरिका में सन 1845 में न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ था। तब वहां के वॉलंटियर पुलिसिंग थे। 1853 में लंदन पुलिस को ध्यान में रखते हुए न्यूयॉर्क पुलिस ने भी अपना यूनिफॉर्म बनाया जिसका रंग डार्क ब्लू रखा और इसको देखकर अमेरिका और अन्य राज्यों ने भी पुलिस की यूनिफॉर्म अपनाना शुरू कर दिया।